और तक इस सुरा में कितनी बार पुकारा? तीन बार। कैसे कैसे पुकारे? कुल औधु बिन्नास, मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की, फिर मलिकिन्नास इंसानों के बादशाह की, इलाहिन्नास इंसानों के माबूद की, इंसानों के माबूद की। तो तीन बार अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। हाँ, और फिर अभी क्या चीज के लिए हम पुकार रहे हैं वो अब आने वाला है। हाँ, सूरह फलक में कितनी बार पुकारे अल्लाह को? पांच आयतें टोटल। हाँ। पुकारे अल्लाह को कितनी बार? एक बार। कुल औधु बिरब्बिल फलक, कहो मैं पनाह मांगता हूँ फलक के रब की, सुबह के रब को पुकारता हूँ। हाँ, मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। तो सुबह का जो रब है, फलक का रब है, जो अंधेरों को खत्म करता है, उजाले को लाता है, वो है अल्लाह। हमने कितनी बार पुकारा था सूरह फलक में अल्लाह को? एक बार। कितनी चीजों से पनाह मांगे थे? चार चीजों से। अब कितनी बार पुकारे हैं? तीन बार। यानी कि ज्यादा खतरनाक चीज जिससे हम अल्लाह की पनाह मांग रहे कि अल्लाह हमें बचा ले, हमारी हिफाजत करे, वो अब आने वाली है। हाँ, और पता है आपको कितनी चीजों से पनाह मांगने वाले हैं? सूरह फलक में कितनी चीजों से पनाह मांगे थे? चार। हाँ, मिन शर्री मा खलक, व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्री नफ़ासात फ़िल उक़द, व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। अब हम कितनी चीजों से पनाह मांगने वाले हैं बताएं? एक। तीन बार पुकारेंगे और पनाह एक चीज से मांगने वाले हैं। वो एक चीज कौन सी है? इस आयत में आने वाला है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और इस चीज से बचना बहुत जरूरी है। और आप सब बच्चे अपने तजुर्बे भी बताएंगे इंशाल्लाह। पढ़िए आयत कुरान की। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वस्वसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। वस्वसा डालने वाले और पीछे हट जाने वाले के शर से। वस्वसा डालने वाले को अरबिक जुबान में मुवस्विस कहते हैं, यानी कि वस्वसा डालने वाला। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, जो अरबी में कुरान में है कि वस्वास के शर से। वस्वास किसे कहते हैं आपको मालूम है? जो बहुत ज्यादा वस्वसे डालता है। लेकिन सबसे पहले बताओ वस्वसा है क्या? व्हाट इज वस्वसा? चुगली करना। नहीं, वस्वसा क्या है मालूम है आपको? नहीं। बहुत ही खतरनाक चीज है। इतनी खतरनाक चीज है कि हम अल्लाह ताला को तीन बार पुकार करके अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह ये वसवसा डालने वाले के शर से अल्लाह तू बचा, जो वसवसा डालता है और पीछे हटता है। क्या होता है सुनो, मान लो दो बच्चे हैं, बैठे हैं साथ में, अचानक दो में से एक बच्चे के दिल में ख्याल आता है कि जाओ जाके गलत काम करो, कोई भी गलत काम, किसी को परेशान करो, किसी को तकलीफ पहुंचाओ, किसी का मजाक उड़ाओ, किसी को मारो, किसी को तकलीफ दो, उसे पीटो, उस पर हंसो, उसे बुरे नाम से पुकारो। उसके दिल में बैठे बैठे क्या आता है? ख्याल। वो समझता है कि मेरी खुद की आइडिया है। क्या समझता है वो? खुद का आइडिया। खुद की आइडिया। हकीकत में वो खुद की आइडिया नहीं होती है। वो शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला। हाँ, शैतान क्या करता है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। पढ़ो आप फिर से। الذي يوسوس في صدور الناس, جو انسانوں کے صدر, جو انسانوں کے صدر, صدر کا مطلب سینہ, انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہ بچے کے سینے میں وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے ڈالا. وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا دل کا آئیڈیا ہے یہ. لیکن ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. اب وہ دھوکے میں پڑ گیا, بولے ہاں मैं ये काम करूं, क्योंकि शैतान के वसवसे जो होते हैं ना बहुत ही कन्विंसिंग टाइप के आते हैं. हाँ, वो बहुत ही चालबाज है. आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जब बाग में थे, गार्डन में थे, जन्नत में थे, तो वहां से कैसे उनको फिसला के निकाला, कैसे उन्हें वादे वाले किया, नहीं खाने बोले थे, उसने बोला खा लो ये फल, और कैसे उन्हें धोखा दिया, पता है ना आपको स्टोरी? हाँ, नहीं पता है तो मालूम करो इंशाल्लाह, ताकि आपको पता चले और हम सब बच सकें. क्योंकि आपके दिल में भी ऐसे ख्याल आते हैं, आते हैं कभी? नहीं आते हैं? नहीं आते हैं. आपके दिल में कभी बुरे ख्याल नहीं आते? आते हैं. आते हैं, मतलब हम लोग बैठे 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 कभी कोई दिल में ख्याल आता है कि नहीं आता है? आता है. बुरा ख्याल होता है, ये गलत काम करो, और जब ही ऐसा हो तो क्या करना चाहिए पता है आपको? औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से. क्या करना चाहिए? शैतान के इस शर से हमें पनाह मांगना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए. तो यहाँ ये शख्स जो है ना,
उसे ऐसा लगता है कि ये काम आइडिया मेरी खुद की है, वो समझता है कि अच्छी आइडिया है, शैतान उसे धोखा दे देता है, अब वो कन्विंस हो गया, अब वो शैतान के साथ हो गया। अब वो इसे कहता है, सुनो तुम चलो हम लोग ये गलत काम करेंगे। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कहा मिनल जिन्नति वन्नास। शुरू में क्या था, शैतान ने इसके दिल में ख्याल डाला, उसने शैतान की बात मान लिया, अब वो बात कर रहा है मिनल जिन्नति वन्नास। नास का मतलब जिनों में से और इंसानों में से, जिनों में से और इंसानों में से। देखो मेरे बच्चों, हम सबको कहाँ जाना है, जन्नत में, जन्नत जाना है। शैतान कहाँ ले आना चाहता है, जहन्नम में। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है, इम्तिहान है, ताकि हम अल्लाह ताला की ही इबादत करें, अल्लाह के साथ औरों को शरीक ना करें। शैतान चाहता है कि हमें कैसे भी करके फिसला दे, फिसला करके स्टेप बाय स्टेप जहन्नम में पहुंचा दे। तो मेरे बच्चों, इस चीज के ताल्लुक से हमें आगाह रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें बचना चाहिए। हाँ, क्या चीज से बचना चाहिए, ताकि शैतान हमें धोखे में नहीं, ना डाल दे। तो मिनल जिन्नति वन्नास, आप लोग फर्क समझ रहे हैं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।